14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एनटीसीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। सत्रह फरवरी को एक संगठन चलाते हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं, कभी मायूस मत होइएगा। वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020, 24 तारीख को दंगे होते, 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम है, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ।